अध्याय एक के व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के अंतर्गत ही हम जानेंगे व्यवसाय के क्या क्या कार्य हैं, व्यवसाय का महत्व क्या है, साथ ही व्यवसाय की जोखिम क्या क्या हैं और एक अच्छे और बेहतर व्यवसाय के गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम इस स्लाइड के माध्यम से अध्ययन करेंगे व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य के अंतर्गत। ते हैं व्यवसाय के कार्य, फंक्शन ऑफ बिजनेस। मुख्य रूप से व्यवसाय के दो प्रमुख कार्य होते हैं, विपणन एवं नव प्रवर्तन। विपणन से यहाँ पर आशय है कि उत्पादक के द्वारा जो माल उत्पादित किया जाता है अंतिम बिंदु उपभोक्ता तक पहुँचने के बीच में जो क्रियाएं होती हैं वो विपणन से संबंधित है। नव प्रवर्तन परंपरागत रूप से जिस प्रकार से उत्पादन हो रहा है उसमें नया परिवर्तन करना नव प्रवर्तन। तो यहाँ पर चूंकि व्यवसाय का उद्देश्य जो है वो ग्राहक का निर्माण करना है, नए बाजार का सृजन करना है, इसके लिए दोनों की आवश्यकता होती है और इन दोनों को पूरा करने के लिए अन्य व्यवसायिक कार्यों का उदय होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्य हम सामने पर देखते हैं। यहाँ पर कि पहला कार्य जो है वित्तीय कार्य। वित्त जो है वो व्यवसाय का क्या है, जीवन रक्त। यदि पूंजी नहीं होगी, वित्त नहीं होगा तो व्यवसाय को चलाना संभव नहीं होगा। अतः व्यवसाय के लिए उचित एवं पर्याप्त पूंजी होना आवश्यकता है। व्यवसाय के लिए प्रारंभिक पूंजी, स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है क्रय कार्य, परचेजिंग का। व्यवसाय का प्रमुख कार्य जो है वो वस्तु एवं सेवाओं का क्रय है। व्यवसाय के अंतर्गत क्या किया जाता है, निर्माता जो है कच्चे या अर्ध निर्मित माल को खरीदता है, तत्पश्चात व्यापारी निर्मित माल का भी क्रय करता है और व्यवसाय की सफलता हेतु यह खरीदी या क्रय उचित समय पर उचित मात्रा में तथा न्यूनतम कीमत पर होना चाहिए। अगला बिंदु है निर्माण कार्य। कुछ व्यवसाय कच्चे माल या अर्ध निर्मित माल का उपयोग करके जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अर्थात व्यवसाय क्या करता है, कम उपयोगी वाली वस्तु को अधिक उपयोगी वाली वस्तु में बदलकर हमें प्रदान करता है। ये व्यवसाय रूप उपयोगिता का सृजन करना कहलाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय जो है वो उपयोगिता को बढ़ाकर वस्तु को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। अगला बिंदु है विक्रय कार्य। व्यवसाय का कार्य क्या है, जो भी वस्तु उसने तैयार की है उसको बाजार में बेचना। तो यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु व्यक्तियों की ही भांति व्यवसाय के लिए भी क्रय कार्य करना होता है। व्यापारी द्वारा क्रय किया गया माल तथा निर्माता द्वारा उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बेचा जाता है। तो ये हो गया विक्रय कार्य। इसके बाद है नियोजन एवं नियंत्रण कार्य। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कार्य का नियोजन तथा उसके निष्पादन का नियंत्रण एक अति आवश्यक कार्य है। इसके अभाव में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का उद्देश्य पूरा करना संभव नहीं हो पाता। अतः एक व्यवसायी को नियोजन और नियंत्रण संबंधी कार्य भी व्यवसाय के अंतर्गत करने होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे व्यवसाय का महत्व क्या है। व्यवसाय द्वारा अपनी आवश्यकता की आपूर्ति हेतु एक स्थापित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। आज के समय में विश्व में उसी देश का महत्व है जो व्यवसायिक दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं। व्यवसाय के महत्व निम्न हैं। नंबर एक है जैसे संसाधनों का कुशलतम उपयोग। व्यवसाय के माध्यम से एक देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका हम बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। एक देश गरीब इसलिए होता है कि उसके यहाँ प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उस संसाधनों को उपयोग करने लायक संसाधन जो हैं उसके पास
नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग तथा मानवीय संसाधनों को उचित स्थान पर रोजगार प्रदान करना व्यवसाय द्वारा ही संभव होता है। अर्थात हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, हम उनका बेहतर से बेहतर उपयोग व्यवसाय के द्वारा ही कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यवसाय के द्वारा ऐसा किया जाता है तो इससे देश जो है आर्थिक दृष्टि से विकसित होता है। दूसरा महत्व है इसका उत्पादन में विशिष्टीकरण। व्यवसाय के द्वारा उत्पादन में विशिष्टीकरण के लाभ को प्राप्त करना ही संभव हो पाता है। इस विशिष्टीकरण के कारण ही बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होता है, जिसका लाभ समाज के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्राप्त होता है। अगला बिंदु महत्व में है उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय जो है, जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि कम उपयोगी वाली वस्तु को अधिक उपयोगी वाली वस्तु में परिवर्तित करता है। इस प्रकार व्यवसाय द्वारा ही वस्तुओं का विनिमय करके उपयोगिता का सृजन होता है। यहाँ अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में वस्तुओं को भेजना संभव होता है। देश के साधनों का उपयोग करना संभव होता है। तो यहाँ पर उपयोगिता का सृजन जो है व्यवसाय के माध्यम से किया जाता है। अगला बिंदु है जीवन स्तर में वृद्धि। व्यवसाय जो है देश के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी अर्थात क्रय शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। अधिक से अधिक वस्तुओं को उन्हें उपलब्ध कराता है और उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक होता है। वही राष्ट्रीय का विकास, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत जिस देश के नागरिकों का जीवन स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है वो देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। अतः एक देश का उन्नत व्यवसाय जो है देश के विकास का प्रतीक होता है। अंतिम बिंदु यहां पर देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आधुनिक समय में संपूर्ण विश्व को एकजुट करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व व्यापार संगठन इस दिशा में एक में अहम पहल कर रहा है। वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात द्वारा विभिन्न देश एक दूसरे से सहयोग ले रहे हैं और इसी में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कार का लाभ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में व्यवसाय का महत्व क्या है, ये अभी हमने इन बिंदुओं के आधार पर जाना और समझा। अगला बिंदु यहाँ पर है व्यवसायिक जोखिम। हम जानेंगे यहाँ पर कि व्यवसाय की जोखिम क्या होती है, बिजनेस रिस्क। जैसे कि हम जानते हैं व्यवसाय में, उद्योग में, व्यापार में हमेशा रिस्क बनी होती है और यह रिस्क होती है किसकी, लाभ की अनिश्चितता की। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता जो है प्रतिफल की या प्राप्ति की अनिश्चितता है। ऐसे व्यवसाय में जोखिम के कारण होता है, व्यवसाय में रिस्क होती है, इसके कारण जो है लाभ की अनिश्चितता बनी होती है। तो व्यवसाय की सफलता केवल व्यवसाय पर निर्भर ना होकर और भी विभिन्न कारण हैं जिन पर निर्भर रहती है, जिससे व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना सदैव बनी रहती है। वहीं व्यवसायी अपने व्यवसाय में सफल होता है जो इन जोखिमों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम आशय देखते हैं कि व्यवसायिक जोखिम से आशय अप्रत्याशित लाभ या फिर हानि की संभावना से है जो अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होता है। जैसे कि बाजार में यदि फैशन या रुचि के कारण अचानक परिवर्तन हो गया या कोई बेहतर कंपनी ने आकर कम कीमत पर या बेहतर क्वालिटी का माल बाजार में बेचना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगी, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। साथ ही यदि कोई हमने विशेष वस्तु को उत्पादित कर रखा है और उसकी मांग अचानक गिर जाए तो ऐसी स्थिति में ये हानि की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, बिक्री कम हो जाती है, लाभ कम हो जाता है। वहीं दूसरी स्थिति में प्राकृतिक दशाओं में हम देखते हैं कि यदि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई
वर्षा होने लगी तेज या बाढ़ या तूफान या भूकंप, इन स्थितियों में यदि कच्चा माल या उत्पादित वस्तुएं जो खराब हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और लाभ कम प्राप्त होंगे। हार्डी ने कहा है, व्यावसायिक जोखिम को लागत हानि या नुकसान की अनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वहीं व्हीलर ने कहा है, कुछ प्रतिकूल घटनाओं से हानि की संभावना को जोखिम कहते हैं, अर्थात व्यवसाय में जो किन्हीं कारणों से जो हानि होती है वो हानि की संभावना क्या है, जोखिम कहलाती है। तो ये है व्यावसायिक जोखिम। यहां हम जानेंगे कि एक अच्छे व्यवसाय के गुण क्या क्या होते हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस मैन, एक अच्छे व्यवसाय के अंदर कौन से गुण होना चाहिए ताकि उसका व्यवसाय जो है उसके गुणों के आधार पर बेहतर सफल रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो। तो यहाँ पर आवश्यक है सबसे पहले आदर्शवाद। सामान्य रूप से पूर्ण आदर्शवादी को एक अच्छा व्यवसायी नहीं माना जाता, परंतु व्यवसाय में सफलता हेतु एक सीमा तक आदर्शवाद का गुण होना आवश्यक है। एक व्यवसायी जब ग्राहकों की सेवा भावना से परिपूर्ण होता है, तभी वह ग्राहकों के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डाल पाएगा, अर्थात एक व्यवसायी के मन में अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदारी होगी, तभी वो ग्राहक से जुड़ पाएगा। तो एक सफल व्यवसाय के जीवन का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि व्यवसाय की सफलता में उसकी ईमानदारी, उसकी नैतिकता में इन चीज़ों की बड़ी भूमिका होती है। दूसरा बिंदु है दूरदर्शी। एक व्यवसाय को दूरदर्शी होना चाहिए, दूर की सोच उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है वो भविष्य पर टिका होता है। भविष्य में बाजार की प्रकृति का पूर्वानुमान सफलता के लिए अति आवश्यक है। भविष्य में बाजार की दशाएं क्या होंगी, इसका अनुमान एक व्यवसायी को होना आवश्यक है। एक अच्छा व्यवसायी जो है बाजार का रुख पहले से ही भांप कर उसकी भांति तैयारी कर लेता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अन्य व्यवसायी प्रयास कर रहे होते हैं, तब तक अच्छा व्यवसायी पूर्व में ही इस दृष्टि से स्थापित संगठन का संचालन करके लाभ प्राप्त कर रहा होता है। अतः एक अच्छे व्यवसायी को दूरदर्शी या दूर की सोच की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। अगला बिंदु, तुरंत निर्णय क्षमता। एक अच्छे व्यवसायी को नई परियोजना प्रारंभ करने के लिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में व्यावसायिक परिस्थितियां बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाती हैं, अतः तत्काल में निर्णय लेकर इन अवसरों का लाभ उठाया जाना चाहिए। कड़ी प्रतियोगिता की दशा में ये गुण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ज़्यादा बाजार में कॉम्पिटिशन हो, प्रतियोगिता हो, तब उस समय तत्काल निर्णय लेने की क्षमता या कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए। अगला बिंदु है व्यवसायिक नैतिकता। जो व्यवसायी जल्दी धन कमाने के पीछे दौड़ता है, वो दीर्घ काल तक अपने व्यवसाय जगत में स्थापित नहीं कर सकता। उसकी साख, ईमानदारी तथा अच्छी सोच उसकी सफलता का एक मूल मंत्र होती है। तो व्यवसायिक नैतिकता में आधारभूत प्रमाप की वस्तुएं, अर्थात निर्धारित क्वालिटी की वस्तुएं उन्हें प्रदान करना, समय पर आपूर्ति करना, वस्तु को समय पर पहुंचाना, साथ ही सरकार के सभी प्रकार के कर व शुल्कों का भुगतान करना, साथ ही सामाजिक वातावरण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण से आदि बातों का ध्यान रखना। अगला बिंदु है दृढ़ता एवं साहस। एक अच्छे व्यवसायी को अपने लक्ष्यों तथा नीतियों के प्रति सुदृढ़ता व साहस का परिचय देना चाहिए। कठिनाइयों को सहजता से लेते हुए उन पर विजय प्राप्त करने का साहस उसके अंदर होना चाहिए। प्रारंभिक समस्याओं से विचलित होने का भाव नहीं होना चाहिए। लक्ष्यों को अपने मंजिल तक ले जाने की सोच होना चाहिए, अर्थात किन्हीं भी स्थिति परिस्थितियों में उसके अंदर दृढ़ता होना चाहिए, उन परिस्थितियों का सामना करने का उसमें साहस होना चाहिए। अगला बिंदु है शोधार्थी एवं विश्लेषक। एक व्यवसायिक को
वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता जो कि बाजार में निरंतर चलती रहती है, तो इस स्थिति में नए व अच्छे उत्पाद व कुशल कार्य प्रणाली का विकास करने वाला व्यवसाय ही सफल होता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय को बाजार की उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं की निरंतर शोध व विश्लेषण उसको करते रहना चाहिए। और अंतिम बिंदु यहाँ पर है प्रभावी व्यक्तित्व। व्यवसाय की सफलता व्यवसाय के मस्तिष्क व हृदय के अनेक गुणों पर निर्भर करती है। तो व्यवसाय में चतुरता होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए एवं प्रभावी व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि ग्राहक उससे आकर्षित हो, आदि इन गुणों का समावेश उसके अंदर होना चाहिए।